हेलो फ्रेंड्स, मैं फारूक और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक 998 चैनल। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 25-25 हज़ार रुपये जो सबके अकाउंट में आ रहा है, वो किसके अकाउंट में आ रहा हो, किसके अकाउंट में नहीं आ रहा हो, कहाँ आ रहा है, कौन से जगह में आ रहा है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन बैंकों के खाते में आ रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये, जल्दी देखें कहीं आपका भी तो नहीं है। मौजूदा समय में अधिकतर लोगों के पास खुद का बैंक खाता है, वहीं कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं। हाल ही में जयपुर पश्चिम बंगाल के वर्तमान जिले से हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ पर लोगों के खातों में अचानक से पैसे जमा होने लगे हैं। खबरों के मुताबिक लोगों के खातों में कहीं से पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन खाता धारक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहां से आ रहे हैं। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो सभी पैसे निकालने के लिए बैंक की ओर दौड़ पड़े। इनमें कुछ ऐसे भी लोग रहे जिनके खाते में दो दो बार पैसे आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि कुछ खाते में 10 हज़ार तो कुछ खाते में 25 हज़ार रुपये तक आ चुके हैं। ऐसे में जिन लोगों के खाते में 25 हज़ार रुपये आए हैं वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल के वर्तमान जिले में स्थित कुर्तेग्राम 2 नंबर पंचायत समिति शिवलून बेलून टोलाबाड़ी सोनापाड़ा अमरा ग्राम नरपाड़ी अम्बाल ग्राम नम्पाल गंगा टिकुरी वाले इलाके में रहने वाले लोग के खाते में 25 हज़ार रुपये जमा हुए हैं। अचानक से पैसे आने से लोग की भीड़ बैंकों में जमा होने शुरू हो गई है। इस बैंक के खाते में 25 हज़ार रुपये। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला लोगों का खाता यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और SBI में है। उन लोगों के खाते में ये पैसे जमा हो रहे हैं। ब्रांच मैनेजर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये पैसे NEFT के माध्यम से जमा किया जा रहा है। वही खाते में अचानक से पैसे जमा होने के कारण बैंकों में लोग की भीड़ बढ़ गई है। इस बात को लेकर किसी भी अधिकारी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि सरकार उन्हें पैसे दे रही है। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। आज से 6 दिन बाद आएंगे आपके खाते में 2 हज़ार रुपये। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में कई योजनाएं चलाई गई है, तो इन्हीं योजनाओं में से चलाई गई एक योजना के तहत 6 दिन बाद इन बैंक खातों में 2 हज़ार रुपये आएंगे। तो ये 2 हज़ार रुपये किन किन बैंकों में आएंगे, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में आएंगे। दरअसल 1 अप्रैल को फिर किसानों के बैंक खातों में 2 हज़ार रुपये आएंगे। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस स्कीम के तहत 2 हज़ार रुपये की पहली किस्त करीब 2 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ 500 रुपये का या उससे ज़्यादा की कीमत वाले टिकट के लिए ही उपलब्ध है। ऐसे में अगर आप 500 रुपये का उससे अधिक कीमत का रेल टिकट बुक करते हैं तो आपको 500 रुपये का क्रोमा गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, कि SBI ग्राहकों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऑफर की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दी है। इसके अलावा इस क्रोमा गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को क्रोमा स्टोर से कम 2500 रुपये का तक की खरीदारी करनी होगी और ऐसा करने के बाद उनको सिर्फ 2000 रुपये देने होंगे और बाकी बचे 500 रुपये गिफ्ट कार्ड के रूप में कट जाएंगे। गौरतलब किया है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होली के खास मौके पर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत ग्राहक बिना ATM कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस नई सुविधा का योनो कैश दिया है। स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया यह ऑफर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइए। जिनका अकाउंट स्टेट बैंक में है उनके लिए खुशखबरी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है तथा यह बैंक अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हमेशा नई नई एडवाइस जारी करता रहता है ताकि ग्राहकों का खाता पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके अलावा यह बैंक अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स भी लॉन्च करता रहता है। हाल ही में यह बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप SBI योनो ऐप के जरिए अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लाया है। तो आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए इस ऑफर के तहत अगर कोई व्यक्ति IRCTC की वेबसाइट से रेल टिकट बुक करता है और भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से करता है तो उसे क्रोमा स्टोर का गिफ्ट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने अकाउंट में चेक कीजिए, कोई आपके अकाउंट में तो फिर नहीं आया है। अगर आया है तो कमेंट में करके बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।